जयपुर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह से राजस्थान के विद्युत परिदृश्य एवं तैयारियों बाबत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की चर्चा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू। ये सुविधा रहेगी 26 जुलाई की रात 12 बजे तक। जयपुर में कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेशवासियों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और आम जन रहे उपस्थित। बारा में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का किया गया आयोजन। परिवादियों के विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर संबंधित विभागों को राहत प्रदान करने के दिए दिशा निर्देश। झालावाड़ में प्राकृतिक खेती पर असंस्थागत प्रशिक्षण किया गया आयोजित। प्रशिक्षण में 32 किसानों सहित अधिकारियों ने लिया भाग। बूंदी में जिला कलेक्टर ने त्रैमासिक जनसुनवाई करते हुए सुनी आम जन की समस्याएं। पानी, बिजली, जमीनी विवाद और पट्टा संबंधी समस्याओं को आम जन के सामने रखा। बारा में महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम प्रसव पर गर्भवती एवं धात्री माताओं को दी जाती है 5,000 रुपए की सहायता राशि। उदयपुर में हेल्दी लिवर अभियान के तहत हेपेटाइटिस की हो रही है स्क्रीनिंग। हाई रिस्क ग्रुप को किया जा रहा है लक्षित। चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी ने की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट। कहा, देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ का चयन गर्व की बात। जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर सतर्कता विभाग समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। पारदर्शिता एवं कार्य प्रणाली में सुधार पर हुई चर्चा। जयपुर में प्रदेश की पहली हेल्सियन एलीट मशीन भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं रिसर्च सेंटर में हुई स्थापित। मशीन में गैंट्री स्पीड 4 आरपीएम होने की वजह से रेडिएशन दिया जा सकेगा 15 मिनट की बजाय 3 मिनट में। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। रेलवे द्वारा 23 जुलाई तक मनाया जा रहा है आइकॉनिक वीक। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने बैठक कर की जनसुनवाई। जिला स्तरीय जनसुनवाई में अभियोग लेकर जिले भर से पहुंचे परिवादी। और दौसा में बारिश से अधिकतर इलाकों में जगह जगह जल भराव की स्थिति। मूसलाधार बारिश की वजह से दुकानों और मकानों में भरा पानी, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना।